झारखंड प्लस टू शिक्षक प्रतिभागी संघ के द्वारा राजभवन के समक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का पुतला दहन किया गया। आने वाली बहाली में राजनीतिक विज्ञान, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, मानव शास्त्र, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा इत्यादि को शामिल नहीं किए जाने के विरोध में पुतला दहन किया जा रहा है। दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, सारे विषयों का पद सृजन नहीं हुआ है। बाकी 11 विषय का हमेशा तीन बार हो चुका है, वैकेंसी अभी आई हुई है, उसमें इन विषयों का पद सृजन नहीं है। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि केवल इस जो विषय है इसमें बीएड क्यों करा रही है, क्यों पढ़ा रही है, जबकि प्लस टू विद्यालय में इन सभी विषयों का पढ़ाई होती है, लेकिन शिक्षक नहीं है, नदारद है, कैसे है? हम सरकार से पूछना चाहते हैं क्यों इस तरह कर रहे हैं। 11 विषय है और ये जो 6 विषय हैं, ये क्या पढ़ाई नहीं होती है प्लस टू में? सरकार हमेशा इस तरह से कर रही है, क्योंकि हम लोग पहले भी उम्मीद लगाए थे कि नहीं, अब की बार नहीं आया है, अब की आएगी, इस उम्मीद से हम लोग बैठे हैं और तैयारी कर रहे हैं। सबका बीएड किया हुआ है, योग हैं, फिर भी नहीं ले रहे हैं। तो हम सरकार से कहते हैं कि इस तरह क्यों छलावा हो रहा है झारखंडी अभ्यर्थियों के साथ और विद्यार्थियों के साथ? विद्यार्थी पढ़ते हैं, क्या गुणात्मक पढ़ाई होती होगी उनको प्लस टू में? नहीं, क्योंकि शिक्षक नहीं है तो पढ़ाई कैसी, उनकी परीक्षा कैसे होती है और कैसे पास कर जाते हैं? इसीलिए हम सरकार से कहते हैं और मजबूरन हमें पुतला दहन करना हुआ, क्योंकि हम लोग को कोई सूद लेने नहीं आया है। अभी हम लोग लगता है 50 दिन हो गया है यहाँ अनिश्चितकालीन धरना कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकार की कोई भी प्रतिनिधि यहाँ पे हम लोग से मिलने नहीं आया है, ना सूद लेने आया है। और वैकेंसी आ गई है, जबकि विधानसभा में उठा था कि नहीं वैकेंसी होनी चाहिए, और माननीय उच्च हाईकोर्ट से भी ये निर्णय हुआ था कि जो विषयों में नहीं निकली है उसमें वैकेंसी अतिशीघ्र पद सृजित करके निकाले, लेकिन उससे पहले ही वैकेंसी 11 सब्जेक्ट का आ गया, बाकी 6 विषय छूट गया है। तो हम सरकार से मांग करते हैं जो छूटी सब्जेक्ट है, जो 6 विषय का है, मानव शास्त्र, दर्शन शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र और जनजातीय क्षेत्रीय भाषा के सभी विषयों का पद यथाशीघ्र सृजित करे और वैकेंसी निकाले। हम लोग जब कोरोना काल था तो उनके लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना किए थे, उनकी लंबी उम्र हो, हमारे लिए वो पद सृजन करेंगे और हमारे हित कर काम करेंगे। अभी हम लोग का विडम्बना ऐसा है कि हम लोग चाह के भी उनका लंबी उम्र का मांग तो करते हैं, लेकिन मजबूरन हमें पुतला दहन करनी हो रही है। अगर सरकार इस विषय पे पहल करती तो ऐसा नौबत नहीं होता, जबकि अभी हम लोग जान रहे हैं कि स्वास्थ्य उनकी गड़बड़ है, फिर भी हम लोग को मजबूरन पुतला दहन करना हो रहा है। लेकिन ईश्वर से हम लोग पहले प्रार्थना कर चुके हैं कि इनकी लंबी उम्र हो और हमारी मांग पूरी करे, जो सब्जेक्ट छूटा हुआ है 6 विषय का, उसका पद सृजित करके हम लोग का शिक्षक बनने का एक मौका प्रदान करे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।